नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि CBSE ने CTET का आंसर की डिक्लेयर कर दिया है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर की मिलाइए और आंसर की लाने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि आपके कितने भी आंसर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो यूपी टेट में रह गए थे कुछ मार्क्स की वजह से, वो जल्दी से अपना आंसर की देख लें क्योंकि ये उनके लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आंसर की के बारे में क्या ऑफिशियल नोटिस आई है। तो दोस्तों ये है पब्लिक नोटिस जो आप लोग को ऑफिशियल नोटिस आई है CBSE के थ्रू। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल द कैंडिडेट्स हु अपियर्ड इन सीटेट दिसंबर 2018 हेल्ड 9/12/2018 आर Inform that the scanned images of OMR answer sheet of the candidates and answer key will be uploaded on the website www.ctet.nic.in from 28/12/2018 to 30/12/2018 till 5 PM। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जिन्होंने 9/12/2018 को एग्जाम दिया था, ठीक है, उनकी जो OMR है वो स्कैन की जा रही है। स्कैन करके ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ctet.nic.in पर डाल दी जाएगी। जो आप 28/12/2018 से लेकर के 30/12/2018 तक शाम के 5 बजे तक आप अपने आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देर इज़ ए प्रोविजन ऑफ द कैंडिडेट टू चैलेंज द आंसर की थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.ctet.nic.in 2018। ठीक है, यहाँ पे 28/12/2018 से 30/12/2018 तक शाम के 5 बजे तक ए फीस ऑफ ₹1000 पर क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड थ्रू द क्रेडिट डेबिट कार्ड द फीस वंस पेड इन द नॉन रिफंडेबल। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप आंसर की है आपकी वो 28/12 से लेकर के 30/12/2018 तक रहेगा और शाम के 5 बजे तक आप जितने भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करेंगे पर क्वेश्चन पर आपको ₹1000 पे करना होगा। ठीक है, और ये जो फीस होगी आपकी किसी भी कीमत पर रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखिए, इफ़ द चैलेंज इज एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड इफ द एनी मिस्टेक इज नोटिस बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन द आंसर की ए पॉलिसी डिसीजन विल बी नोटिस वेबसाइट एंड द फी शैल बी रिफंडेड द रिफंड will be transferred online to be considered credit debit card account so the candidates are advised to pay from their own credit debit card CBSE decision on the challenges shall be final and the further communication will be entertained। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी आपके acceptable होंगे, जो भी आपके challenge हैं, ठीक है, वो board द्वारा acceptable होंगे और अगर कोई भी mistake board के द्वारा notification के according होती है तो आपकी जो fees होगी वो रिफंड की जाएगी। ठीक है, और वो भी तब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप जो भी आप फी पेमेंट करेंगे, ठीक है, जो भी फी आप पे करेंगे वो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से जिससे भी करेंगे वो अपने अकाउंट के थ्रू करिए ताकि वो जो है फी जब भी आपको रिफंड करें तो वो आपको मिल सके। ठीक है, ये था CBSE के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह से और भी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।